अरे सर, आज आप मेडिटेशन करने लगे पढ़ाने के बजाय। तो दोस्तों, आज का शानदार जानदार टॉपिक इसी ओम से शुरू होता है, राइट, और इसी ओम पर ही खत्म हो जाएगा। क्योंकि क्योंकि स्टाफिंग क्या है सर? स्टाफिंग का मतलब ही OUM, ओम है। बिल्कुल, अभी मैं आपको याद करा दूंगा। और सबसे बड़ी बात सर, अगर स्टाफिंग के लिए कोई मूवी देखनी है, एग्जाम्पल मैं आपको मूवीज के हमेशा देता ही हूँ, और जो मेरे रेगुलर वीडियोस रहती है उसमें मैं मूवी डाल भी देता हूँ। तो इसलिए देखो, स्क्रीन पर ही क्या है, बिजनेस नंबर नहीं, बिजनेस सिर्फ लोग होते हैं, लोग, रॉकेट सिंह, है ना। मूवी में ये बात कही गई, और जो बिल्कुल सत्य है कि बिजनेस नंबर नहीं होते, बिजनेस होते हैं लोग, लोग, लोग। यानी कि अगर आपके लोग ईमानदार है और आपने अपने लोगों के साथ बहुत अच्छे तरीके से बना के रखी है, तो इसका मतलब आपकी कंपनी टॉप पे जाने वाली है। यही यही स्टाफिंग का चैप्टर हमें सिखाता है। तो बिना टाइम वेस्ट करे सर, शुरू करते हैं आज का शानदार जानदार टॉपिक, राइट। तो देखो क्या लिखा है, स्टाफिंग का कॉन्सेप्ट क्या है। सबसे पहले स्टाफिंग का कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको बताया, स्टाफिंग इज ओ, तो ये लिखा सर OUM, यानी कि स्टाफिंग इज कंसर्न विद ओ से ऑप्टेनिंग, यानी कि चुनना, सेलेक्ट करना, ढूंढना, यूटिलाइजिंग, उनसे काम कराने से बोलते हैं ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। और यहाँ पे रिसोर्स क्या है, रिसोर्स क्या है, ह्यूमन रिसोर्स। और मेंटेनिंग, उन्हें अपने यहाँ पे रखना, मेंटेन करके रखना कि वो हमें छोड़ के जाए ना, राइट। तो स्टाफिंग इज OUM, ऑप्टेनिंग, यूटिलाइजिंग, मेंटेनिंग द सेटिस्फाइड फोर्स। फोर्स मीन्स यहाँ पर लेबर को कहा जा रहा है, लेबर फोर्स, ठीक है जी। बात ठीक है सर, मजा ही आ गया। स्टाफिंग में सर और क्या लिख सकते हैं, स्टाफिंग के मीनिंग में जो आप बचपन से याद करते आ रहे हैं, पुटिंग द राइट पीपल, है ना, फॉर द राइट जॉब, पुटिंग द राइट पीपल फॉर द राइट जॉब एट राइट टाइम। समय भी बिल्कुल सही होना चाहिए, एट राइट टाइम, मजा आ गया सर। स्टाफिंग में और क्या क्या होता है सर, इसके मीनिंग में लिखा है। स्टाफिंग में हम पूरे चैप्टर में आगे पढ़ते हैं, आपको बताइए, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, प्रमोशन, ये सारी चीज स्टाफिंग में होती है सर। अगर कोई नई नई ऑर्गेनाइजेशन हो, बिल्कुल, है ना, राइट, पहली पहली बार कंपनी खुली हो, बिल्कुल गाना गाते हुए, पहला पहला प्यार है, पहली पहली बार है, ठीक है। तो अगर पहला पहला प्यार है, पहली पहली बार है, पहली पहली बार कंपनी खुली है, राइट, तो क्या करना है सर, स्टाफिंग हमेशा शुरू से ही शुरू होगा, और वो स्टार्ट किया जाएगा आपके स्टाफिंग के प्रोसेस से जो हम आज पढ़ने वाले हैं, राइट, ठीक है ना, राइट। तो पहले हम सोच चुके होंगे प्लानिंग में क्या करना है, कैसे करना है, फिर ह्यूमन रिसोर्स रिक्रूटमेंट किया जाएगा, स्टाफिंग का प्रोसेस बिल्कुल नया किया जाएगा। आप ये सोचोगे कितने कितने टाइप के मुझे लेबर चाहिए, कितने लोग चाहिए, है कि नहीं बात। सिलेक्शन, रिक्रूटमेंट, सब कुछ क्या होगा, बिल्कुल नया होगा। लेकिन लेकिन मुन्ना, अगर हमारा ऑर्गेनाइजेशन पुराना है कि नहीं बात, तो स्टाफिंग नया नहीं करना, स्टाफिंग पहले से शुरू हो चुका, और ये कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। उम्मीद है सर बात समझ में आ चुकी होगी, ये बात आप एग्जाम में लिख के आएंगे बिना किसी टेंशन के। अब आती है बात सर इंपॉर्टेंस, अभी पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले खास और जानदार शानदार बात पढ़ लेते हैं सर, स्टाफिंग का प्रोसेस क्या है सर। तो जैसा आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, स्टाफिंग का जो प्रोसेस है, यही आपके स्क्रीन पर कोड भी लिखा है, राइट। अपने स्क्रीन पर देखो सर, स्टाफिंग का प्रोसेस MRP2PC, MRP2PC सर, MRP2PC। एम से क्या बनने वाला है सर, एम से बनेगा सर मैन पावर रिक्रूटमेंट, मैन पावर रिक्रूटमेंट, कि भैया कितने लोगों की मुझे जरूरत है और कितने लोग मुझे चाहिएंगे, है ना, कितने लोग मेरे पास है। आर से क्या होगा सर, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, ध्यान से नोट करेंगे, रिक्रूटमेंट के साथ साथ मैंने यहां सिलेक्शन भी ऐड कर दिया है, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। पी से क्या होगा सर, प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन, प्लेसमेंट के साथ साथ मैंने क्या ऐड कर दिया है सर, ओरिएंटेशन ऐड कर दिया है। और अगर आप बहुत गौर से देखेंगे, चीटी चीटी सा लिख भी रख रहा है, टी में ट्रेनिंग, तो टी से क्या होगा सर, टी से होगा सर ट्रेनिंग, तो टू के टी से क्या होगा सर, ट्रेनिंग, सर मजा ही आ गया, ठीक है। फिर आएगा पी, ठीक है ना, पी से क्या होगा सर, पी से बनेगा हमारा प्रमोशन, ठीक है, बिना किसी टेंशन के। और फिर मुन्ना, फिर आएगा सी, सी से बनेगा कंपनसेशन, कंपनसेशन का मतलब होता है सर सैलरी कितनी दोगे भैया, जैसे वो नहीं 3 डेट का इंटरव्यू डिस्कस कर ले, सैलरी कितनी लोगे, तो वो होता है भैया कंपनसेशन, मतलब सैलरी। तो
कोड आपकी नजरों के सामने है, गाना गाते हुए नजर के सामने, जिगर के पास, इसे जिगर के पास तक पहुंचाइए ताकि एग्जाम में आपको ये काम आए। और ये स्टेप्स है, स्टेप्स प्रोसेस का मतलब हमेशा क्या होता है ना लाइक, और स्टेप्स होता है, इसे शफल मत कर देना। पहला स्टेप हमेशा क्या होगा, एस्टिमेट मैन पावर रिक्वायरमेंट। सबसे पहले आप चेक करेंगे मेरे पास कितने लोग हैं और मुझे अब कितने लोग और चाहिए, ठीक है राइट, कितने लोग मेरे पास हैं और कितने लोग मुझे और चाहिए और किस टाइप के चाहिए। अब भैया अगर मेरे, अब तुम्हारी शादी है, तुम्हारे हाथ पीले होने वाले हैं, तो हाथ पीले होंगे तो भैया तुम्हें कितने लोग चाहिएंगे सामान बनाने के लिए, हलवाई बिठाने के लिए, है ना राइट। ये आप देखो, और किस टाइप के लोग चाहिए, हलवाई तो ढूंढोगे ना, मोची ढूंढोगे, अरे भैया मोची हो हलवाई हो, खाना ही तो बनाना है, क्या दिक्कत है, रोटी तो बनानी है, तो भैया मोची मत ले आना, कॉबलर कॉबलर मेंड माय शूज गेट इट डन बाय 2:30, है कि नहीं बात, ये वाला बचपन की पोयम गाते हुए। तो व्हाट टाइप मतलब जिस तरह के लोग चाहिए उसी तरह के लोग मुझे मिलने चाहिए। अब देखो इसमें दो चीजें आती हैं, इसमें दो चीजें आती हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन भी आ चुका है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन बताऊंगा आपको, है ना, दुनिया हिल जाएगी तुम्हारी। एक वर्क लोड एनालिसिस और एक वर्क फोर्स एनालिसिस। वर्क लोड ठीक है ना, यानी कितना मेरे ऊपर बोझ है काम का, वर्क फोर्स कितने लोग मुझे चाहिएंगे, है ना। तो देखो क्या लिखा है, वर्क लोड से क्या होगा, इट विल एनेबल द एस्टिमेट ऑफ नंबर एंड टाइप ऑफ ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायर्ड। ठीक है, जितना बोझ है मेरे ऊपर काम का उसके हिसाब से मुझे कितने नंबर यानी कितने लोग चाहिए, ठीक है, 10, 20, 50, किस टाइप के चाहिए। जैसे मैंने कहा ना, खाना बनाने के लिए हलवाई चाहिएगा, केटरिंग चाहिएगा, है कि नहीं बात राइट, वेटर चाहिएगा, तो किस टाइप के लोग चाहिए राइट। अगर आपका मैनुअल काम है तो लेबर चाहिए, टेक्निकल काम है तो भैया सॉफ्टवेयर इंजीनियर चाहिए, किस टाइप के लोग चाहिए, है ना, रिक्वायर्ड फॉर द जॉब। उम्मीद है बात समझ में आ चुकी होगी राइट। अगली बात, वर्क फोर्स एनालिसिस राइट, कि जितने लोग आपको चाहिए उसके हिसाब से आपको क्या पता लगना चाहिए, ये एस्टिमेट करना चाहिए, एस्टिमेट अंदाजा लगाना है, कितने लोग और कितने टाइप, कितने लोग और कितने टाइप के लोग अवेलेबल हैं आपके पास, यानी आपके पास 10 है 20 है ठीक है ना, और किस तरह के हैं, टेक्नीशियन कितने हैं, लेबर कितनी है, वर्क जो काम कर रहे हैं उसके हिसाब से टेक्निकल इंजीनियर कितने, सॉफ्टवेयर इंजीनियर कितने हैं अवेलेबल राइट, कितने लोग चाहिए आप देखो। सबसे खतरनाक बात, एक क्वेश्चन आया जब एग्जाम में तो लोग पागल हो गए, बिल्कुल पागल, बच्चे लोटपोट हो गए। देखो क्या लिखा है, क्वेश्चन में लिखा था विच कॉन्सेप्ट रिलेट टू नंबर एंड टाइप ऑफ वर्कर रिक्वायर्ड एंड विच कॉन्सेप्ट रिलेट टू नंबर एंड टाइप ऑफ वर्कर अवेलेबल। बच्चे लोटपोट, बच्चों को समझ में नहीं, बात ऊपर से निकल गई। तो भैया नंबर एंड टाइप ऑफ वर्कर रिक्वायर्ड, देखो रिक्वायर्ड लिखा है ना, कितने चाहिए, तो भैया इसका आंसर होगा कितने चाहिए मतलब वर्क लोड एनालिसिस। और क्या लिखा है, नंबर एंड टाइप ऑफ एम्प्लॉय अवेलेबल, कितने अवेलेबल है कि नहीं बात राइट। तो उसके लिए क्या होगा, वर्क फोर्स एनालिसिस, कि मेरे पास कितनी वर्क फोर्स अवेलेबल है। तो भैया दोस्तों बात समझ में आ चुकी होगी, अगर भैया आपने चेक किया कितने लोग अवेलेबल है, ज्यादा है तो ओवर स्टाफिंग से क्या होगा, मामला खराब, और भैया कम है तो आपको नए लोगों को चुनना पड़ेगा राइट। ओवर स्टाफिंग है तो क्या करो, जो एम्प्लॉय है या तो उन्हें हटाना पड़ेगा या फिर उनको दूसरी ब्रांच पे ट्रांसफर कर दो ताकि कोई टेंशन वाली बात ना है। तो इस एनालिसिस से मुझे क्या पता लगता है कि कहीं मेरे पास ओवर स्टाफिंग और अंडर स्टाफिंग की दिक्कत तो नहीं है। मजा ही आ गया सर, उम्मीद है पहला पॉइंट आपको समझ में आ चुका होगा, एमआरपी टू सीपी का मैन पावर रिक्वायरमेंट। दूसरा सर, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, हिंदी में समझे पहले आप। रिक्रूटमेंट का मतलब होता है सर, रिक्रूटमेंट का मतलब होता है सर ढूंढना, ठीक है, और मुन्ना सिलेक्शन का मतलब क्या होता है सर, सिलेक्शन का मतलब होता है चुनना, कि मैं जिसको मैंने ढूंढा उसे मैंने चुन लिया राइट। बहुत सारी पिक्चरें स्पेशल 26 आपने देखी होगी बिना टेंशन के, ठीक है ना। तो स्पेशल 26 में भाई साहब हमारे अक्षय कुमार 26 लोगों का सिलेक्शन करते हैं, ठीक है ना, 26 लोगों को चुन लेते हैं अपने काम के लिए, तभी उस पिक्चर का नाम स्पेशल 26 है। और फिर उन्हें ढूंढते हैं, ढूंढते कैसे भैया, ढूंढने का तरीका क्या है, एडवर्टाइजमेंट देना न्यूज़पेपर में टीवी में, ये तो उसे बोलते हैं रिक्रूटमेंट और चुनने को बोलते हैं सिलेक्शन। तो देखो ये बात लिखी है, इसलिए सर्चिंग, ठीक है, रिक्रूटमेंट मतलब सर्चिंग और उन्हें मोटिवेट करना कि वो जॉब के लिए अप्लाई करें। तो भैया छोटा सा इश्तिहार देते हैं न्यूज़पेपर में, सीबीआई की जॉब लिख लिया, 100 लोग उसे अप्लाई करते हैं, फिर इंटरव्यू लेते हैं उनका, है ना राइट। तो रिक्रूटमेंट में देखो क्या लिखा है, सर्चिंग का मतलब क्या है, जैसे ये एड, एड तो खाली मैंने मजाक में लगा रखा है कि भैया मैकडी में लोग चाहिए,
लो पे है कि नहीं बात, पे आपको बहुत ही कम मिलेगी, कोई वीकेंड नहीं मिलेगा, कोई हॉलिडे नहीं मिलेगा, नो बेनिफिट, फ्रेंच फ्राइज मिलेंगे फ्री में, है कि नहीं बात। तो खैर तो मजाक की बात है। अगर कोई बोले भैया रिक्रूटमेंट का मतलब क्या, रिक्रूटमेंट का मतलब होता है ध्यान से जो ये मैंने हाईलाइट कर रखा है, सर्चिंग द प्रोस्पेक्टिव इम्प्लॉय, उस इम्प्लॉय को ढूंढो जो आपके लिए बहुत जरूरी है और उसे एनकरेज करो, उसको इतने बढ़िया बढ़िया लालच दो कि भैया ये वो, जैसे नेवी के ऐड आते हैं ताकि वो आपकी जॉब के लिए अप्लाई करें, ठीक है। पुराने जमाने में, आजकल तो बहुत सारे तरीके हैं, इंटरनेट है ना, और भी बहुत सारे तरीके हैं, अभी हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन पुराने जमाने में आता था रोजगार समाचार, ठीक है ना। रोजगार समाचार एक न्यूज़पेपर आता था, राइट, उसमें भैया सारे के सारी जॉब लिखी होती थी, भैया ये जॉब निकली हुई है, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर भैया उसके बाद मैंने सिलेक्शन, बिल्कुल गाना गाते हुए, दिल ने तुमको चुन लिया है तुम भी इसको चुनो ना, तो सिलेक्शन, भैया हमने आपको चुन लिया है, दिल ने तुमको चुन लिया, तुम भी हमको चुन लो ना। तो हमने क्या किया भैया, सिलेक्शन कर लिया, किसका, एम्प्लॉय का सिलेक्शन कर लिया। सिलेक्शन कैसे होता है सर, इंटरव्यू से होता है, ये आपके सामने लिखा है बात, है ना, इंटरव्यू दे रहा है, ये 3 इडियट की मूवी आपको याद आ गई होगी। सबसे इंपॉर्टेंट जो खतरा भी बन रहा है, एग्जाम में आता है, एमसीक्यू में पक्का है एग्जाम में आना, सिलेक्शन नेगेटिव प्रोसेस होता है, क्यों, क्योंकि भैया जॉब निकली है मान लो 10, इंटरव्यू के लिए आ गए 100 लोग, तो 90 लोगों को तो रिजेक्ट करना पड़ेगा, इसलिए सिलेक्शन इज द नेगेटिव प्रोसेस। मजा ही आ गया सर, है ना, राइट। सिलेक्शन में हम क्या करते हैं, टेस्ट भी लेते हैं, कई बार इंटरव्यू तो लेने ही लेना है, टेस्ट भी लेना, आर्मी की जॉब होती है तो, है ना, फिजिकल टेस्ट भी लिया जाता है, दौड़ भाग करके कराया जाता है। फिर उसके बाद आपको एक रिटन डॉक्यूमेंट दिया जाता है, मुन्ना जॉब चाहिए तो साइन कर, है ना, जिसमें आप बोलते हैं भैया जॉब का बॉन्ड भरवा लिया। उसके बाद फिर आप कंपनी के अंदर घुस जाते हैं, भैया 10 तारीख को कंपनी ज्वाइन कर लेना, लेट से कंपनी के अंदर जैसे घुसोगे तो आपका आएगा प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। प्लेसमेंट का मतलब होता है जिस काम के लिए आपको चुना गया है, जिस काम के लिए आपको स्टेप नंबर ऊपर चुना गया है, ठीक है ना, उस काम को आपके ऊपर डाल देना, यानी आपको काम सौंप देना, आपको जॉब या जिस काम के लिए आपको चुना गया है वो काम आपको दे दिया, भाई साहब ये आपका काम है, ये आपका लैपटॉप है, ये काम करना है, ठीक है। लेबर चुनेंगे भैया, ये आप मशीन है, इसे चलाना है भैया और बढ़िया प्रोडक्शन करना है। ओरिएंटेशन का मतलब होता है मेल मिलाप कराना, इंट्रो कराना, इंट्रो है ना। ओरिएंटेशन का मतलब क्या होता है सर, इंट्रोडक्शन कराना, जैसे ये करा रहा बेचारा, हे न्यू गाय दिस इज नो बियर्ड कंपनी, दाढ़ी वाढ़ी रख के बताना आजकल भले चलन में हो, सॉरी सॉरी ब्रो, सॉरी ब्रो, आई हैवंट टेक द ओरिएंटेशन ट्रेनिंग, मेरी अभी ओरिएंटेशन ट्रेनिंग हुई नहीं है, मुझे अभी इंट्रोडक्शन नहीं कराया गया। तो इंट्रोडक्शन किससे होना चाहिए सर, इंट्रोडक्शन होना चाहिए एक तो अदर एम्प्लॉयज से, ठीक है ना, और साथ साथ कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशन से। तो भैया अदर एम्प्लॉय से इंट्रोडक्शन हो जाए तुम्हारा, कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशन से इंट्रोडक्शन हो जाए, तो इसे बोलते हैं ओरिएंटेशन, है ना, प्रोग्राम, राइट। तो देखो लिखा है ओरिएंटेशन इंट्रोड्यूसिंग द सिलेक्टेड एम्प्लॉय, जिसे सिलेक्ट किया गया जॉब के लिए दूसरे एम्प्लॉय के साथ, और रूल्स एंड पॉलिसी के साथ, राइट। प्लेसमेंट आपको पता ही है, गिविंग द जॉब, जिसके लिए उसे चुना गया वो जॉब उसको पहुंचा दी जाए, दे दी जाए, भाई साहब काम शुरू करें। फिर 90% 90% भैया इंडिया में क्या होता है, इंडिया के बाहर भी ट्रेनिंग चलती है, ट्रेनिंग तो भैया कम से कम 3 या 6 महीने की क्या होती है, ट्रेनिंग पीरियड होती है, कि भैया आपको इस महीने में ट्रेनिंग मिलेगी, जो गलती करनी है कर लो, सीखना है सीख लो, पूछना है पूछ लो, लेकिन 3 महीने के बाद 6 महीने के बाद ट्रेनिंग पीरियड ओवर होगा, जब तुम ऑन द फ्लोर जाओगे, है कि नहीं बात, तब गलती गुंजाइश नहीं है, तब आपके ऊपर पेनल्टी लगाई जाएगी। तो ट्रेनिंग में, है ना, आप जो पढ़ के आए हैं, ठीक है, मान लो आपने भैया सीए कर ली, ठीक है, सीए करने के बाद आपने सारी पढ़ाई लिखाई तो कर ली, लेकिन मुझे भी पता नहीं है प्रैक्टिकली उसका इंप्लीमेंटेशन कैसे करना है टैक्स के बारे में, तो भैया ट्रेनिंग होती है सीए में भी, तो जब जॉब पे जाएंगे तो भी आपको 3-4 महीने मिलेंगे भैया, जो आप पढ़ के आए उसे प्रैक्टिकली ऐसे अपग्रेड किया जाता है, ऐसे काम किया जाता है, इस स्किल से आपको काम करने के लिए मिलेगा। तो नए एम्प्लॉय को ट्रेनिंग दी जाती है, आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे कितने तरह की ट्रेनिंग होती है, ऑन द जॉब, ऑफ द जॉब, ठीक है ना। तो ऑन द जॉब यानी इन हाउस ट्रेनिंग, और ऑफ द जॉब मतलब आपको ट्रेनिंग के लिए बाहर किसी और इंस्टीट्यूट में भेज दिया जाता है, कि भैया वहां ट्रेनिंग कर लें आप जाके, ठीक है ना, कंपनी की तरफ से। डेवलपमेंट, डेवलपमेंट क्या होता है, तुमने पिक्चर देखी डॉन, मैं हूँ डॉन, पुरानी वाली अमिताभ बच्चन वाली, तो भैया डॉन पिक्चर में जब अमिताभ बच्चन असली डॉन मर जाता है तो नकली डॉन को लेके आते हैं, तो उसको ट्रेन करते हैं, ट्रेन डॉन कैसा दिखता है, कैसे कपड़े पहनता है, कैसे चलता है, कैसे बात करता है, ठीक है ना। ऐसे अक्षय कुमार की पिक्चर आई थी मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी, ठीक है ना, उसमें शिल्पा शेट्टी को ट्रेन करते हैं, शिल्पा शेट्टी जो क्या कहते हैं दूसरी होती है वो असली वाले की हम शक्ल होती है, तो उसे ट्रेन करते हैं, फिर वो गाना गाते हैं चिरा के दिल मेरा गुरिया चली, तो वो ट्रेनिंग। ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है, ट्रेनिंग का मतलब होता है 2 चीजें, आपका जो काम है उसमें भी आपको परफेक्शन बनाना, और आपका जो लुक है या आपका जो पर्सनैलिटी कह दो, है ना, आपकी पर्सनैलिटी को भी निखारना।
भैया मेरे को काम बहुत अच्छे से आता है तो, लेकिन मुझे मेरे पास पर्सनैलिटी नहीं है। पर्सनैलिटी कैसे है भैया? आपको सही से बाहर बाल बाल की सेटिंग करा जाएगी, कपड़े बढ़िया पहनाए जाएंगे, बोलने का तरीका हाँ हाउ आर यू, है ना, ऐसे बात। भैया कोई हमारी तरह यूपी से हो हरियाणा से हो तो ये थोड़ी ऑफिस में जाके बोलोगे भैया ये काम करना, मैं ना आऊंगा कल, वो पहना हुआ है काम, मैं पहले बता दी मेरे को जो काम आता है वो काम मैं करूंगा, वरना बाकी काम मैं पहना हो पाएगा, इससे काम कर लो भैया, हम पे मत कहना कुछ भी, कल समझोगे ना, ठीक है? तो भैया उनसे कहा जाएगा अरे भाई साहब थोड़ी सी रीजनल लैंग्वेज का ना अपनी, जैसे यूपी जो लैंग्वेज है अपनी, मैं भी यूपी से ही हूँ, है ना, तो यूपी की लैंग्वेज है भाई साहब थोड़ा सा डराओ मत, लोग डर जाएंगे भाई, है कि नहीं बात? तो थोड़ा प्यार से, तो आपको ट्रेनिंग दी सिखाई ट्रेनिंग दी चाहिए कैसे बोलते हैं, सर दिस इज नॉट माई वर्क, एक्चुअली आई हैव अपॉइंटेड फॉर दिस काइंड ऑफ वर्क एंड यू आर गिविंग दिस काइंड ऑफ वर्क, सो प्लीज लेट मी परफॉर्म ओनली माई वर्क सर। तो इस तरीके से प्यार से, सर आप प्लीज एक बार बॉस से बात कर लीजिए, मेरे को ये आता नहीं है, मैं तो ट्रेनिंग इसमें किया, तो प्यार समझाने वाले, गुस्सा नहीं, ये क्या कह रहा भैया, समझाइए बात। तो उसमें बोलते हैं डेवलपमेंट, डेवलपमेंट का मतलब देखो लिखा भी है साफ साफ, डेवलपमेंट मीन्स ओवरऑल ग्रोथ, लर्निंग एंड ग्रोथ ऑफ द एम्प्लॉय, ठीक है ना। अब कई बार क्या होता है, ठीक है, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट इन पे भी क्या बन जाते हैं सर, एमसीक्यू बन जाते हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया शानदार जानदार, ठीक है ना। ट्रेनिंग से क्या होगा, एम्प्लॉय की ग्रोथ होती है, ठीक है, डेवलपमेंट से राइट एम्प्लॉय की और कंपनी की सबकी ग्रोथ होती है, जैसे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, मैच्योरिटी लेवल, लेक्चर कैसे बात करना है, हाउ टू वॉक, हाउ टू टॉक, ठीक है ना। और फिर आता है अगला स्टेप परफॉर्मेंस अप्रेजल, आपके साल एंड के बाद परफॉर्मेंस अप्रेजल आपको दिया जाएगा कि आपके काम के हिसाब से आपको क्या मिलेगा सर, एक तरीके से बोनस कहते हैं, इंसेंटिव कहते हैं। जैसे एग्जांपल लिख लेते हैं सर, इफ सेल्समैन, है ना, इफ सेल्समैन गॉट द टारगेट, लिखते हैं ना, बोल रहा है ना, सेल्समैन गॉट द टारगेट ऑफ 1 लाख यूनिट सोल्ड इन द मंथ ऑफ मार्च, राइट, समझ ना बात, हिज परफॉर्मेंस कि उसने उतनी चीजें बेची या नहीं बेची, 1 लाख यूनिट बेची या नहीं बेची, हिज परफॉर्मेंस क्या किया जाएगा, चेक या इवेल्युएट, हिज परफॉर्मेंस इवेल्युएट एट द मंथ एंड और एट द बिगनिंग ऑफ अप्रैल। तो उसके हिसाब से उसको इवेल्युएशन के हिसाब से उसको समझाया जाएगा, भाई साहब ऐसे नहीं चलेगा, थोड़ी मेहनत की जरूरत और पड़ेगी, टारगेट अचीव नहीं हो पा रहे हैं। फिर भैया फिर आता है ना, राइट, पहले पांच, इसको 5 काट के 6 कर दो और इसको 6 काट के 5 कर दो, बड़े बड़े देशों में चलो बेटा छोटी छोटी गलती होती रहती है, तो वही छोटी सी गलती हो गई। प्रमोशन, प्रमोशन का मतलब होगा भैया ऊंचा पद, है कि नहीं बात, राइट, यानी कि आपको हायर लेवल पे पहुंचाया जाएगा, तो इंप्लॉय की अपॉर्चुनिटी हायर जॉब पोजीशन से बताया जाएगा, भाई साहब आपको इतने समय के बाद आपके काम के ऊपर प्रमोशन किया जाएगा। और कंपनसेशन आपको पता ही है, कंपनसेशन को टेक्निकल भाषा में बोलते हैं C2C, है ना, CTC कह दो, है ना, राइट, CTC मतलब कॉस्ट टू द कंपनी, राइट, नो हनी विदाउट मनी, क्या बात है सर, मजा ही आ गया, राइट, ये भी एग्जाम में लिख सकते हैं आप, राइट, ऑल फॉर्म ऑफ पे एंड अलाउंसेस, है ना, ऑल फॉर्म ऑफ पे, राइट, किसी भी तरह के पे, पे मतलब यानी कि कैश, राइट, अलाउंस यानी कि कैश, और किसी भी तरह की फैसिलिटी, राइट, जैसे कि भैया कंपनी की तरफ से घर मिल गया, ठीक है ना, राइट, कंपनी की तरफ से आपको कोई खर्चा पानी मिल रहा है, किसी भी जैसे लंच का खर्चा वगैरह मिल गया, ठीक है, अवार्ड वगैरह मिल गए, कंपनी ने तुम्हारा इंश्योरेंस करा दिया, कंपनी ने तुम्हें छुट्टी भेज दिया, टिकट वगैरह होटल वगैरह करा दिए, कोई भी चीज, यानी इन शॉर्ट कोई भी चीज अगर कंपनी से मिल रही है उसे बोलते हैं पे एंड अलाउंस, यानी कि कंपनसेशन। एक तो डायरेक्ट है, सीधा तुम्हारे खाते में आ रहा वेजेस, सैलरी, कमीशन, बोनस, एक इनडायरेक्ट है, जैसे घर मिल गया, हॉलीडे भेज दिया, फ्री कार, कंपनी तरफ से कार मिल रही है, पीएफ, ये इनडायरेक्ट हो गया, राइट। तो मेरे दोस्तों बात समझ आ चुकी होगी एमआरपी टू सीपी किस तरीके से हमें एग्जाम में सॉल्व करने हैं, क्वेश्चन अभी मैं आपको दिखाऊंगा, टेंशन की कोई बात नहीं है। अब चलते हैं सर, अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, मैनेजर कह रहा है भाई साहब सुनना ध्यान से क्वेश्चन, मैनेजर क्या बोल रहा है, मैनेजर बोल रहा है देयर इज नो नीड ऑफ स्टाफिंग, ठीक है ना, मैनेजर क्या बोल रहा है, देयर इज नो नीड ऑफ स्टाफिंग फंक्शन की कोई नीड नहीं है, राइट, डू यू एग्री, तो आप क्या बोलोगे, ना मुन्ना ना, आई एम नॉट एग्री, देयर मस्ट बी अ नीड ऑफ स्टाफिंग फंक्शन। इसमें आंसर क्या लिखूंगा, मान लो 5 मार्क्स में आ गया तो आप क्या लिखेंगे, इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग, नो के बाद डिस्कस करें इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग, राइट, इसमें आप क्या लाइन कोट हैं, इसमें वाली लाइन कोट कर सकते हैं कि भैया सीईओ जो है, भाई साहब बहुत ही खतरनाक, नारायण मूर्ति इंफोसिस के, उन्होंने कहा
स्टाफिंग जो है लोग जो है वो असेट्स हैं। जब शाम को मेरी कंपनी से बाहर जाते हैं तो मैं ये श्योर करता हूँ उन्हें कि वो नेक्स्ट मॉर्निंग जरूर आए, क्योंकि उनमें से एक भी बच्चा छूटा सुरक्षा का चक्र टूटा भैया कंपनी बेकार हो जाएगी, और टेक्निकल कोई बंदा चला गया। इसीलिए इसीलिए गूगल के सीईओ को 1700 करोड़ रुपए साल के मिलते हैं, क्योंकि वो राइट पर्सन है राइट जॉब के लिए, राइट। तो ये वाली कोटेशन भी आप एग्जाम में लिख के आएंगे, 100% राइट पीपल टेक टू द टॉप एंड रॉन्ग पीपल टेक टू द डाउन। इसलिए गूगल के सीईओ को 1700 करोड़ रुपए मिलते हैं, गूगल के सीईओ को, ठीक है ना, क्योंकि वो राइट पर्सन है, वो गूगल को टॉप पे लेके गए हैं, गूगल क्रोम मुनि की देन है, राइट। तो भैया राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। आजकल के टेक्नोलॉजिकल जमाने में कंपनी का इतना साइज बड़ा हो चुका है कि भैया गूगल तो पूरी वर्ल्ड में काम कर रही है, इम्प्लॉय का बिहेवियर इतना खतरनाक हो चुका है, जैसे कि ये यार जस्टिफिकेशन चाहिए नहीं बात बताओ यार, ठीक है लड़ाई झगड़ा हो गया। तो एम्प्लॉय का बिहेवियर इतना खतरनाक है कि सही लोगों को चुनना बहुत जरूरी है, आजकल लोग बड़े खतरनाक हो चुके हैं। अब पहली इंपॉर्टेंस क्या है, स्टाफिंग, अगर मैं स्टाफिंग फंक्शन को फॉलो करता हूं तो मुझे कॉम्पिटेंट मतलब काबिल, बिल्कुल ऋतिक रोशन की तरह मैं तेरे काबिल हूं या काबिल नहीं, ये वाला गाना गाते हुए ना, तो प्रॉपर स्टाफिंग आपको काबिल लोगों से मिलवाती है, हायर परफॉर्मेंस। और जो काबिल लोग होंगे भैया, अगर कम्पिटेंट लोग होंगे तो परफॉर्मेंस तो हाई देंगे, क्योंकि वो इतने एक्सपर्ट होंगे, भैया गूगल के सीईओ इतने एक्सपर्ट है, सारी क्रोम की कोडिंग दिमाग में है, तो भैया हायर परफॉर्मेंस वो देंगे देंगे, और तभी आप कह सकते हो भैया वो राइट पर्सन है मेरे राइट जॉब के लिए, और जो सही समय मुझे मिला। कंटिन्यू ग्रोथ, ग्रोथ के साथ लिख लो एंड सर्वाइवल, है ना भैया, अगर कंटिन्यू ग्रोथ रखनी है और सर्वाइवल कंपनी को बचाए रखना है तो सही लोगों को चुनना है। शादी के टाइम पे मोची को मत ले आना खाना बनाने के लिए, है ना, लुट जाएगा मामला, है ना, राइट। तो गूगल के सीईओ वाला एग्जांपल लग सकते हैं। ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, ये तो सारी की सारी इंपॉर्टेंस का कोड है ना, पॉइंट है कॉमन, कि आपको स्टाफिंग फंक्शन ये सिखाता है कैसे आपको ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन करना है। जैसे अगर अंडर स्टाफ है, अंडर स्टाफ है तो वहां पर लोगों को पहुंचाओ, और अगर ओवर स्टाफ है तो लोग बाग, है ना, मजे ले रहे हैं तो वहां से लोगों को ट्रांसफर करो या फिर उन्हें निकालना पड़ेगा, ठीक है। कैसे लोगों को समझाना है कि भैया ऑफिस काम के लिए है, एफिशिएंसी बढ़ाए, टाइम पास ना करें, दोस्तों बात समझ में आई होगी। और कुछ दिनों पहले पिक्चर आई थी, आपने देखी होगी डिशो, ठीक है ना, जॉन इब्राहिम की और वरुण धवन की। तो बेचारा वरुण धवन होता है, वरुण धवन बेचारा क्यों परेशान होता है, क्योंकि उसका बॉस, वरुण धवन का बॉस उससे घर के काम कराता है, उसको कुत्ते को घुमाता है, तो बेचारा फ्रस्ट्रेटेड रहता है, ये मेरा पुलिस का काम है, यहाँ पे पुलिस का काम होते हुए मुझे बताओ एक डॉग को घुमाना पड़ता है, उसका देखरेख करनी पड़ती है, घर का काम भी करना पड़ता है कि नहीं। वो आता भी है जब जॉन इब्राहिम आता है, सर मैं सारा सामान ले आऊं, पर सर इच गार्ड नहीं मिला आपका, है कि नहीं बात, राइट। तो बताओ पुलिस ऑफिसर ये काम करके इच कार्ड लेके आएगा, तो बेचारा फ्रस्ट्रेटेड होता है क्योंकि उसको वो काम नहीं दिया जिसके लिए उसे चुना गया है। स्टाफिंग फंक्शन ये कहता है अगर आप जिस काम के लिए लोगों को चुन रहे हैं वही उनसे काम करा रहे हैं और साथ में उसे रिवॉर्ड भी दे रहे हैं, तो वो इम्प्लॉय हमेशा ये बोलेगा आई लव माई जॉब, राइट। तो इसका मतलब सेटिस्फेक्शन इम्प्लॉय का हाई रहेगा, हाई, ठीक है ना, और हेल्प इन अचीविंग गोल, दोनों के गोल अचीव होंगे। अगर राइट काइंड ऑफ पर्सन आपको राइट टाइम पे मिल गया है तो कंपनी का गोल अचीव होगा ही होगा, है कि नहीं बात, और आपके गोल भी अचीव हो जाएंगे, यानी कि एम्प्लॉय का गोल भी अचीव हो जाएगा। सर 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 इसका कोड क्या है, सर कोड बहुत ही शानदार है, आपकी नजरों के सामने है, राइट। जैसे ये कह रहा है कि स्टाफ हमेशा इंपॉर्टेंट, इतनी बात तो सुन लगे, स्टाफिंग कितनी इंपॉर्टेंट है, स्टाफ कितना जरूरी है हमारे लिए, सर स्टाफ, तो भैया कोड बनेगा इंपॉर्टेंट स्टाफ से, कब गिरो भैया, ओ कब गए, इंपॉर्टेंट स्टाफ से कब गिरा, मजा आएगा सर, इंपॉर्टेंस का कोड है, और वो भी किसकी इंपॉर्टेंस से कोड है, स्टाफिंग की इंपॉर्टेंस से कोड है, इसलिए मेरे कोड की खास
कहीं रहते, कोड ऐसे नहीं होते हवाई में कि भैया कुछ भी किसी से रिलेट कर दिया, भैया वो कोड उससे रिलेट करता है। देखो इंपॉर्टेंस है कोड, स्टाफिंग की इंपॉर्टेंस, कोड से दोनों वर्ड डाल दिए। स्टाफ के ऐसे क्या बनेगा, कंटिन्यू ग्रोथ एंड सर्वाइवल। मजा ही आ गया सर, बोलो सर मजा ही आ गया। हाँ सर मजा ही आ गया, कमेंट भी कर दो मजा ही आ गया। हाँ सर ऐसे क्या बनेगा, सेटिस्फेक्शन, डिशुम पिक्चर वाला। कप के सी से क्या बनेगा, कप के सी से पॉइंट नंबर वन, ऑब्टेनिंग कॉम्पिटेंट पर्सनल। ठीक है सर, यू से तो हमेशा की तरह पक्का ही है, पता ही है आपको। सर यू से क्या बनेगा, सर यू से बनेगा हमारा ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। और सर फिर पी से क्या बनेगा, पी से ढूंढो जल्दी, पी से ढूंढो जल्दी से। सर पी से बनेगा हमारा परफॉर्मेंस इंक्रीज, है कि नहीं बात सर, परफॉर्मेंस इंक्रीज, हायर परफॉर्मेंस। पॉइंट नंबर टू, हाई परफॉर्मेंस। ठीक है, और गिरा के जी से, सर गिरा के जी से बनेगा गोल अचीव, सेकंड लास्ट पॉइंट, सॉरी लास्ट पॉइंट, हेल्प इन अचीविंग गोल, है कि नहीं बात, लास्ट वाला पॉइंट। तो मेरे दोस्तों बात आपको समझ में आ चुकी होगी, स्टाफिंग के बारे में आप बहुत शानदार जानदार तरीके से सीख चुके हैं। तो आज हमने क्या कवर कर लिया सर, आज हमने कवर कर लिया स्टाफिंग का प्रोसेस, स्टाफिंग की इंपॉर्टेंस, स्टाफिंग का कॉन्सेप्ट जो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं कुछ क्वेश्चंस, मजा ही आने वाला है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर टू क्या कहता है, जो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, खतरा बना लेना इसके ऊपर, खतरा। ठीक है ना, राइट, क्या लिखी है बात जो मैंने अभी आपको समझाई। अल्फा एंटरप्राइज गीजर बनाती है, कंपनी है टू मैन्युफैक्चर स्ट्रक्चर विद फोर मेन फंक्शन, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, उसके स्टाफिंग के क्या है, उसके डिपार्टमेंट है। एज द डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट ग्रू, कंपनी डिसाइड टू हैव मोर एम्प्लॉय। यहां से लगता है जैसे ऑर्गेनाइजिंग का क्वेश्चन है, फिर कह रहा मोर एम्प्लॉय की जरूरत है, यहां से लगता है स्टाफिंग का क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद जो खतरनाक लाइन है जिसकी वजह से मुझे पता लगेगा ये क्वेश्चन कौन सा है, आइडेंटिफाई द कॉन्सेप्ट व्हिच हैज द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, यानी कि जिससे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर को पता लग जाए, तो यानी कि स्टाफिंग से क्वेश्चन पूछ रहा है। नंबर एंड पर्सनल रिक्वायर्ड, ये है खतरनाक बात, ऐसा कौन सा कॉन्सेप्ट है जिससे पता लगता है नंबर ऑफ पर्सन रिक्वायर्ड। एग्जाम में जब आया था बच्चों ने 2017 में, सभी बच्चों ने 99% बच्चे गलत करके आए थे, इतनी गहराई से क्वेश्चन पूछ लिया। नंबर एंड पर्सन रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड मतलब क्या हुआ सर, वर्क लोड एनालिसिस। तो रिक्वायर्ड किसमें है, वर्क लोड एनालिसिस में, बिल्कुल आज ही मैंने आपको हाईलाइट कराया है। ठीक है ना, सेम क्वेश्चन देखो, सेम क्वेश्चन आया 2017 में ही, पांचवा देखो क्या लिखा है, सेम है राइट। इस बार क्या कर दिया, पूछ लिया एज अ डिमांड ऑफ प्रोडक्ट ग्रू द कंपनी डिसाइड टू रिक्वायर मोर एम्प्लॉय, आइडेंटिफाई द कॉन्सेप्ट जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर यानी कि स्टाफिंग के चैप्टर में पूछ रहा है। नंबर ऑफ पर्सन है ना अवेलेबल, ये लिखिए बात, नंबर एंड टाइप ऑफ पर्सन अवेलेबल राइट। अवेलेबल किसमें लिखा था, अवेलेबल लिखा था सर वर्क फोर्स एनालिसिस में, वर्क फोर्स एनालिसिस में। तो ये क्वेश्चन नंबर टू, ठीक है जी बात, क्वेश्चन नंबर टू और क्वेश्चन नंबर फाइव दोनों पे आप डेंजर बनाएंगे, बहुत 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 खतरनाक क्वेश्चन है, माइकल जैक्सन ने गाने की तरह डेंजरस, आपको उस पे लिखना पड़ेगा। मेरे दोस्तों में आ चुकी होगी, अब जो हमने स्टाफिंग में क्या पढ़ा था, स्टेप्स पढ़े थे, उसमें देखो इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ के पहले देखते पूछ क्या रहा है, विच हैज नॉट बीन परफॉर्म, स्टाफिंग का कौन सा प्रोसेस यानी कि एम आर पी टू पीसी में से कौन सा प्रॉपरली नहीं लगाया गया है ना, और जो नहीं लगाया गया उसके बाद के नेक्स्ट टू स्टेजेस बता दो, जो आपने पहचाना ना नंबर वन में कि ये नहीं लगाया गया, उसके बाद के अगले दो स्टेप। ठीक है, तो ध्यान से पढ़ो क्या लिखा है, रिजोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड इज पब्लिशिंग कंपनी, इट्स बुक्स ऑन बिजनेस स्टडीज ऑफ क्लास 12 इज अ ग्रेट डिमांड। एज अ रिजल्ट द कंपनी इज अ मार्केटिंग डिपार्टमेंट ऑलवेज रेसिंग अगेंस्ट टाइम, यानी कि भैया बहुत टाइम की दिक्कत रहती है, इंप्लॉय हैव टू वर्क ओवर टाइम है ना, इंप्लॉय को ओवर टाइम करना पड़ता है। ठीक है राइट, हॉलीडे पे भी आना पड़ता है, बताओ मैनेजर इज इन द मार्केटिंग डिपार्टमेंट आर अंडर स्ट्रेस,
मार्केटिंग डिपार्टमेंट के तो स्ट्रेस में रहते हैं कि भैया कैसे कैसे हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को ज्यादा से ज्यादा एरिया को कवर करें। द वर्क स्ट्रेस हैज लेड टू डिससेटिस्फेक्शन अमंग द एम्प्लॉय, ठीक है ना। अब वो कह रहा है डिससेटिस्फेक्शन तो है, लेकिन मुझसे पूछ कह रहा है स्टाफिंग के प्रोसेस से क्वेश्चन पूछ रहा है, कह रहा है स्टाफिंग का कौन सा प्रोसेस परफॉर्म नहीं किया गया। सबसे स्टेप नंबर वन ही परफॉर्म नहीं किया गया, एम मैन पावर एस्टिमेट मैन पावर रिक्वायरमेंट, उन्होंने ढंग से एस्टिमेट ही नहीं किया कि कितनी मैन पावर चाहिए। यानी आपको शॉर्टेज है तभी तो हॉलीडे बुला रहे हो, तभी तो बेचारे स्ट्रेस में रह रहे हैं, ये नहीं किया, तो ये वाला नहीं किया। और उसके अगले दो स्टेप क्या है, ये और ये मुझे बताने। देखो ये लिखिए बात, क्या लिखिए बात, स्टेप ऑफ स्टाफिंग प्रोसेस इज नॉट बीन परफॉर्म बाय इज एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। फिर इसको मैं क्या करूंगा, चाहे नोट से याद कर ले चाहे यहां से याद कर ले, इसको यहां से एक्सप्लेन कर देंगे। नंबर एंड टाइप ऑफ वर्कर अवेलेबल, नंबर एंड टाइप ऑफ वर्कर रिक्वायर्ड, और अगले दो स्टेप क्या होंगे सर, अगले दो स्टेप आपको बताइए आर और पी, है ना। यानी हाँ आर में ही मैं क्या बताता हूँ आपको, आर में बताता हूँ रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। तो अगले दो स्टेप क्या होंगे, आर के अंदर ही रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, तो ये स्टेप्स बन जाते हैं ना। पी मत लिखना, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन स्टेप नंबर टू, स्टेप नंबर थ्री। पी से क्या होगा, प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन, तो प्लेसमेंट होगा स्टेप नंबर फोर, ओरिएंटेशन हो जाएगा स्टेप नंबर फाइव, है ना। इस तरीके से कर सकते हैं। तो ये आ गया मेरा रिक्रूटमेंट यानी ढूंढना और सिलेक्शन यानी कि चुनना। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं सर, क्वेश्चन नंबर नाइन और देख लेते हैं। दो क्या लिखिए बात, क्या कह रहा है, एंड फंक्शन, एक तो फंक्शन पहचानना है, नेम द कॉन्सेप्ट एंड सोर्स यूज बाय द फर्म, एक कॉन्सेप्ट जानना है, वैल्यूज रहने देते हैं कोई टेंशन नहीं है ना। अब बताओ मुझे इसे देख के क्या पता लग रहा है, टारगेट अचीव नहीं हो पा रहा, ठीक है, पूरी परफॉर्मेंस चल रही है। अब देखो मुद्दे की लाइन है, ये मुद्दे की लाइन है ये वाली सर, इसके नीचे वाली, नंबर ऑफ वर्कर एम्प्लॉयड वाज लेस देन रिक्वायर्ड, यानी कि जितने चाहिए उससे कम हमारे पास नंबर अवेलेबल है, ठीक है ना। ओवरबर्डन रहता है यानी कि अंडर स्टाफ है, इसके लिए हमने क्या किया, न्यू एम्प्लॉय को सर्च किया, यानी सारी सारी बातें किस चैप्टर की हैं, स्टाफिंग चैप्टर की है कि नहीं, और उनको इंट्रोड्यूस कराया, प्रेजेंट यानी कि ओरिएंटेशन कराया, ठीक है ना, राइट, पुटिंग द पीपल फॉर द जॉब, प्लेसमेंट कर दिया उनका, ठीक है। ये सारी बातें हम स्टाफिंग के चैप्टर से पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर वन का आंसर क्या हुआ, स्टाफिंग। अब कॉन्सेप्ट एंड इट सोर्सेज यूज्ड बाय द फर्म टू वर्कर, ऐसा कौन सा कॉन्सेप्ट है जिससे ज्यादा वर्कर फर्म की तरफ खींचे, क्या है खतरनाक लाइन ये, ज्यादा वर्कर फर्म की तरफ खींचे, अट्रैक्ट, अट्रैक्ट द फर्म, फर्म की तरफ कैसे खींचेंगे वर्कर, ढूंढने से, है ना, यानी कि रिक्रूटमेंट करने से। तो इसका आंसर क्या होगा, रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट का मतलब क्या होता है, रिक्रूटमेंट का मतलब होता है जॉब के लिए क्या देना, एड देना, टीवी में दिखाना था कि लोग उसकी तरफ खींचे, यानी कि स्पेशल 26 की तरह न्यूज़पेपर में ऐड दिया, ठीक है ना, टीवी में ऐड दिया, तो लोग खींचे चले आ रहे भैया अप्लाई करो अप्लाई करो, सीबीआई की जॉब है। तो रिक्रूटमेंट एक तरीके से है ना पॉजिटिव प्रोसेस होता है। फिर सिलेक्शन करते हैं, सिलेक्शन क्या होता है सर, नेगेटिव प्रोसेस होता है। लास्ट और क्वेश्चन देख लेते हैं आज का, वो कह रहे सर कीपिंग इन द माइंड दैट एनकरेज द वुमेन एंड पीपल विद स्पेशल नीड बिलोंग टू रूरल एरिया, रूरल एरिया को वुमेन एम्पावरमेंट देने के लिए क्या किया, नेक्स्ट थ्री स्टेप बताइए, है ना, ऑब्टेनिंग अ सेटिस्फाइड वर्कफोर्स, वर्कफोर्स ताकि हम सेटिस्फाई कर सकें। तो इसका मतलब वर्कफोर्स की बातें चल रही है, तो ये स्टाफिंग से ही क्वेश्चन है, ठीक है ना। नेक्स्ट थ्री स्टेप पूछ रहा है वो, नेक्स्ट थ्री स्टेप सबसे खतरनाक चीज क्या है, ये पूछ रहा है वो नेक्स्ट थ्री स्टेप। तो इसका मतलब पहले कुछ स्टेप्स होंगे वो हम है ना ढूंढ चुके होंगे, उसके बाद अगले लिखने। तो हमारे पास क्या है, एम आर, आर में दो आ जाते हैं, पी में दो जाते हैं, है ना, पी सी, राइट, एम से मैन पावर एस्टिमेट मैन पावर रिक्रूटमेंट, है ना, आर से रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। तो देखो अर्बन एरिया में है, राइट, दे डिसाइड टू शिफ्ट देयर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट रूरल एरिया में चले जाते हैं ताकि कॉस्टिंग भी कम आए, वहां पे लेबर भी सस्ती मिलेगी, राइट, फर्स्ट स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर वगैरह सब बना लिया, ठीक है, दे असेस्ड एनालाइज द टाइप ऑफ, दे असेस्ड, देखो थोड़ा सा भैया इंग्लिश, भैया इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हो तो थोड़ी सी तो इंग्लिश आती होगी, है कि नहीं बात, हाँ सर आती है। एनालाइज्ड, एनालाइज्ड का मतलब क्या है, कर चुके, पास्ट टेंस, क्या कर चुके हैं,
नंबर एंड टाइप ऑफ पर्सन रिक्वायर्ड, कितने लोग मुझे चाहिए, वर्क फोर्स वर्कलोड एनालिसिस वो कर चुके हैं, यानी पहला स्टेप वो लगा चुके हैं। अब अगला स्टेप क्या लगाना है सर? रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। तो ये हमारे तीन स्टेप हमें फिर आगे लगाने हैं। मुद्दे की लाइन क्या है? मुद्दे की लाइन है ये है कीवर्ड, जिससे पता लग गया। एनालाइज्ड, नंबर एंड टाइप, नंबर एंड टाइप हम कहां पढ़ते हैं? वर्कफोर्स और वर्कलोड एनालिसिस पर ये हम काम कर चुके हैं। तो मेरे दोस्तों बात समझ में आ चुकी होगी, क्वेश्चन भी समझ चुके होंगे। रिमेनिंग चैप्टर अगले लेक्चर में पूरा खत्म हो जाएगा, तो मिलेंगे लेक्चर में। तब तक आपको पढ़ना क्या है, करना क्या है, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए। राइट, मैं मिलूंगा लेक्चर में, तब तक